हरियाणा में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आमजन के लिए लाभदायक योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा आमजन लाभ प्राप्त करे, इस विषय को लेकर हिसार के जिला उपायुक्त अशोक मीना ने अधिकारियों से मासिक बैठक की और विभिन्न योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान पत्रकार वार्ता के दौरान जिला उपायुक्त अशोक मीना ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 5 एकड़ से कम भूमि वाले ही किसानों को सहायता राशि मिलती थी, वहीं सरकार 5 एकड़ से ज्यादा वाले किसानों को भी सहायक राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना का सबसे ज्यादा लाभ हिसार जिले में था। वहीं जिला उपायुक्त अशोक मीना ने बताया कि किसानों के लिए मेरा ब्यूरो मेरी फसल योजना लागू की गई थी, उस योजना में सरकार ने बदलाव किया है। उन्होंने बताया कि इस योजना अब किसान स्वयं ही CSC सेंटर के माध्यम से अपनी फसल का ब्यौरा देंगे, जो योजना किसानों के लिए निःशुल्क रहेगी। वहीं 14 जुलाई को हिसार में राज्य स्तरीय राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त अशोक मीना ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश भर में राहगीरी को लेकर बेहतरीन कार्य करने वाले जिलों व अधिकारियों को इनाम दिया जाएगा। इसमें लगभग 200 से अधिक हमारे CSC सेंटर हैं, और ये बात ठीक है, कुछ जगह तो खुले ही नहीं है, तो वो तो बहुत कम नंबर है। कुछ जगह मेरे पास जो डेटा आया था, आप तो नंबर काफ़ी बता रहे हैं, बट जो मेरे पास 7-8 गांवों का मेरे पास आई थी कंप्लेंट, वो चेक भी करा लेंगे हम, 7-8 के अलावा भी है क्या, तो उनको भी हम पुनः CSC सेंटर खोलने का प्रयास करेंगे उस प्रक्रिया अपनाने के बाद। तो 7-8 तो हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन आई रखी है गांवों की, तो उन पर तो हम करेंगे ही, प्लस सर्वे करा के जैसा आपने बताया थी और संख्या बढ़ी तो उन पर भी हम CSC सेंटर का जो अपॉइंटमेंट है वो भी करेंगे। एक जिक्र आया था फिजिकल वेरिफिकेशन का, लेकिन डिपार्टमेंट में कर्मचारियों का जो टोटा है, पटवारी की अगर बात करें, मैं उकलाना खंड के पापड़ा गाँव की बात करता हूँ, वैली पर में एक गाँव है, लेकिन 5 गाँव का एक समूह है, एक पटवारी वो लगातार एक महीने से छोड़ देते, इस तरीके की बात है, जबकि अभी वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन मांगने के लिए बच्चों को काफी दफ्तर आने भी पड़े। इसमें बताना इसमें बताना चाहूँगा मैं कि हमारे यहाँ 150 पटवारी हैं, बिल्कुल ठीक है, 276 के आसपास हमारे रेवेन्यू एस्टेट है, तो लगभग आप मान लें कि 2 गांव के ऊपर एक पटवारी है, और ये स्थिति पहले से बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे पहले काफ़ी वैकेंसी थी, उससे बेहतर स्थिति हमारी हो गई है। हाँ, कुछ जगह ऐसा हो सकता है जैसा आपने बताया, कुछ छुट्टी पे चल रहे हों, तो उसके लिए हम आगे से ये दिक्कत ना आए तो हर एक पटवारी के स्तर पर एक लिंक पटवारी बना देंगे, जिससे कि ऑटोमेटिक यदि कोई पटवारी छुट्टी पे जाता है तो ऑटोमेटिक दूसरा व्यक्ति उसका चार्ज ग्रहण कर लेगा। तो एक एक का तो हम कर नहीं पाएंगे, बट जितने भी हैं उनको 50, क्योंकि 2 के ऊपर एक है, तो एक पटवारी को नोडल ऑफिसर दूसरे का बना देंगे, तो 75 के आसपास हो जाएंगे, तो आपस में लिंक ऑफिसर रहेंगे, यदि कोई छुट्टी पर जाता तो ये समस्या नहीं होगी। जहाँ तक कर्मचारी जो हैं, इन्हीं से हमें बेहतर रिजल्ट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो इसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे, तो उसमें हम सभी को शामिल कर रहे हैं, पटवारी, ग्राम सचिव, ADO और मार्केट कमेटी के कुछ कर्मचारी, तो चारों विभागों से मिला के फिर हम ये वेरिफिकेशन कराएंगे, जिससे कि अकेला पटवारी ऑब्वियसली इतना काम नहीं कर सकता, उसके पास और भी काम होते हैं, तो जॉइंटली हम ये काम करवाएंगे।